और बात नीतीश को माया की नसीहत, दलित मोर्चे पर फजीहत, क्योंकि बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की पैरोल को लेकर सियासत गर्म हो गई है। मायावती ने आनंद मोहन की पैरोल पर पूर्व गोपालगंज डीएम जी कृष्णिया की हत्या की याद दिलाते हुए नीतीश कुमार पर दलितों का अपमान करने का तंज कसा है। लेकिन जिस तरह से मायावती ने नीतीश सरकार को अपने निशाने पर लिया, उसे विपक्षी एकता के लिहाज से उसे ठीक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और अब मायावती ने उल्टा नीतीश को ही सवालों के दायरे में ला दिया है। नीतीश कुमार को मायावती की नसीहत, आनंद मोहन पर फजीहत। यूपी से बिहार तक सियासत गरम, माया ने याद दिलाया दलित धर्म। बिहार में जब से माफिया आनंद मोहन जेल से बाहर आया, तब से सियासत गर्मा गई और अब बसपा सुप्रीमो मायावती के इन चुभते हुए ट्वीट ने यूपी से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा दिया, क्योंकि मायावती ने दलितों की नाराजगी का हवाला देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नियत पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदल कर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी निगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। इसके साथ ही मायावती ने आगे लिखा कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। मायावती के ट्वीट के बाद राजनीति गर्मा गई है। बिहार के माफिया और पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा करने के लिए कानून बदलने के फैसले पर मायावती ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। चूंकि आनंद मोहन जिस डीएम की हत्या के आरोप में जेल में है और सजा काट रहे हैं, वो दलित थे। मायावती ने ट्वीट करके नीतीश सरकार के इस फैसले पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये फैसला दलित विरोधी है। चूंकि मायावती दलित और मुस्लिम वोटों की सियासत करती हैं, इसलिए उनके इस ट्वीट को दलित दांव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 1984 में गोपालगंज के डीएम की हत्या के मामले में 2007 आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, मगर पटना हाईकोर्ट ने 2008 में आनंद मोहन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दी, जिसके बाद से आनंद मोहन सहरसा की जेल में बंद है। आनंद मोहन फिलहाल अपने बड़े बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद के रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए जेल से पैरोल पर बाहर आया है। लेकिन जिस तरह से मायावती ने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया, उसे विपक्षी एकता के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। हाल ही में जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने मायावती से महागठबंधन में आने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बाद पहलवानों ने भरी हुंकार, कुश्ती संघ के खिलाफ आर पार की ललकार, क्योंकि फिर एक बार पहलवान कुश्ती संघ के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा खोलते हुए कुश्ती संघ के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पहलवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, वो नहीं हटेंगे। वही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है और 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। पहलवानों ने फिर भरी हुंकार, अब की बार आर पार की ललकार। ब्रिजभूषण के खिलाफ दंगल, यौन उत्पीड़न का एंगल। कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच एक बार फिर ठन गई है। ढाई महीने पहले पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोप लगाए थे। अब उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए पहलवान फिर एक बार मैदान में उतर आए हैं और इस बार पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कह दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। हमारी कुश्ती में जो गलत हो रहा है और महिलाएं उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें, और जो चीजें गलत हो रही है उसके खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम, मुझे नहीं लगता कि मेरा जो मानना है कि हम इंसान कहलाने के लायक है।
क्योंकि अगर हम सच्चाई के साथ भी नहीं खड़े हो सकते तो हम इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। और जब तक इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम सबको न्याय नहीं मिल जाता, हम यहीं बैठेंगे, यहीं धरना प्रदर्शन। देखिए, अभी हम FIR लॉन्च करने के लिए 2 दिन पहले आए थे, लेकिन FIR लॉन्च नहीं करी है पुलिस। तो पहले पुलिस FIR लॉन्च करे हमारी, और उसके बाद में उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पहलवानों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि 7 पहलवान लड़कियों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायत पर FIR तक दर्ज नहीं की जा रही। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया और 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा। कोई नतीजा ही नहीं आया, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। हम संतुष्ट नहीं है, मतलब जो आश्वासन दे के उठाया गया था उसमें से तो एक भी बात पूरी नहीं हुई। बस यही है कि हमारी सच्चाई की लड़ाई है, और जब तक सच की जीत नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सरण सिंह के खिलाफ आज एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश पोगाट दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठ गए हैं। अगर बात करें तो इस बार उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहते हुए ब्रजभूषण सरण सिंह ने महिलाओं को यौन शोषण किया है, उसके खिलाफ वो दिल्ली पुलिस में तहरीर दे रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की है। इसी के खिलाफ वो सारी पहलवान जो है धरने पर बैठ गए। वहीं अगर बात करें तो खेल मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया था, और कमेटी के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार हो गई और खेल मंत्रालय को वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। पिछली दफा जब तमाम सारे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जंतर मंतर पे धरने पर बैठे थे तो उन्होंने ब्रजभूषण सर सिंह के खिलाफ यौन शोषण समेत तमाम सारे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया से ब्रजभूषण सर सिंह को हटा दिया था और जांच होने तक उनके किसी भी पद पर रहने पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि जब 3 महीने पहले पहलवान जंतर मंतर पर जुटे थे तब पहलवानों के विरोध के बाद एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या आया ये अभी तक साफ नहीं हुआ। अब विरोध कर रहे पहलवानों की मांग है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन पहलवान और कुश्ती संघ के बीच छिड़ी इस लड़ाई को लेकर एक दूसरा धड़ा भी है, जिसे लगता है कि ये लड़ाई पहलवान और कुश्ती संघ की नहीं बल्कि ये यूपी वर्सेस हरियाणा की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहलवान और कुश्ती संघ के बीच शुरू हुई इस लड़ाई का अंत क्या होगा, क्योंकि पहलवानों ने अपनी बात कह दी लेकिन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।